हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं केरला से ऊटी काफी करीब है? सिर्फ 4 या 5 घंटे का सफर तय करके आप केरला से ऊटी पहुंच सकते हैं। मैं मुंबई से हूं और जब मैं पहली बार ऊटी आई थी मुंबई से, तो पहले बैंगलोर आई थी, बैंगलोर एयरपोर्ट से फिर बस से मैसूर और फिर उसके बाद ऊटी आना पड़ा। काफी लंबा सफर लग रहा था लेकिन, और जब हम केरला शिफ्ट हुए तो हमें पता चला कि ऊटी यहां से बहुत करीब है, तो हमने सोचा कि एक ट्रिप हो जाए ऊटी के लिए, तो हम निकल पड़े ऊटी के लिए। तो आज की ये वीडियो में के साथ छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप केरला से ऊटी कैसे घूम सकते हैं। अगर आप सेल्फ ड्राइव करना चाहते हैं केरला आकर, तो आपको रेंटेड कार कैसे बुक करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो में देखने मिलेगी। ये खूबसूरत सा नजारा केरला के उस घाट का है जो ऊटी जाने के रास्ते में पड़ता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हो तो आपको एलिफेंट और मंकी रास्ते में ही मिलेंगे, ये रास्ता ही क्रॉस करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे ये मंकी यहाँ रास्ते में बैठा है बच्चों के साथ, तो आपको बहुत मजा आएगा इस ट्रिप में। आप तो सब जानते हैं कि केरला कितना खूबसूरत है, इंडिया में बहुत प्यारी जगह है ये केरला। उसी तरीके से ये जो केरला का रास्ता है जो ऊटी की तरफ जाता है, ये भी बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत से पेड़ नज़ारे यहाँ पे देखने मिलेंगे, पहाड़ों से गुजरते हुए आप जब ऊटी पहुँचते हैं तो बहुत ही प्यारा सा नज़ारा आपको रास्ते में देखने मिलेगा। रास्ते में कई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आप रुक के कुछ खा सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं ड्राइव करते वक्त, लेकिन हम रुके नहीं क्योंकि हमने घर से ही खाने पीने का सारा सामान लिया हुआ था और इसलिए हमें जल्दी भी पहुँचना था, तो हम निकल पड़े। केरला से जब आप तमिलनाडु में एंटर करते हैं तो आपको हर जगह पे चाय के बाग नजर आएंगे। ये जो खूबसूरत सा व्यू देख रहे हैं, ये चाय के बाग का है और ये तमिलनाडु का है। हम तमिलनाडु में पहुंच चुके हैं। रास्ते में हम कई जगह पे रुके क्योंकि जहाँ पे भी हमें अच्छा लग रहा था हम वहाँ पे रुकते जा रहे थे। इतनी खूबसूरत सा व्यू था हर जगह पे, तो थोड़ा सा रुक रुक के ही जा रहे थे, थोड़े से फोटोज ले रहे थे बस। बच्चे काफी इंजॉय कर रहे थे रास्ते को क्योंकि रास्ता इतना खूबसूरत है केरला से ऊटी का कि आप हर जगह पे रुक के जाना जरूर पसंद करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। रास्ते में ही आपको ऊटी के कई ऐसे पॉइंट देखने मिलेंगे, जैसे कि ये पाइन फॉरेस्ट है, ये रास्ते में ही पड़ता है। आपको यहाँ पे आप रुक के कुछ फोटोज ले सकते हैं और फिर आगे ऊटी की तरफ बढ़ सकते हैं। पहुंच गए हैं, यहाँ पे हम होटल बुक करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। हम सिर्फ 1 डे स्टे करने वाले हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हमको निकलना है वापस घर की तरफ। ऊटी में कई ऐसे होटल हैं जो आपके बजट में आपको मिल जाएंगे और आपकी बुकिंग ना हो तो भी आपको मिल जाएगी। वैसे तो बुक करना ज्यादा बेटर होगा, लेकिन हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, हम ऐसे ही अचानक से निकल पड़े ऊटी, तो इसलिए हमें होटल जाकर बुक करना है और अभी देखना है कि होटल कहाँ अच्छी है। यहाँ पे बारिश भी हो रही है और वेदर इतना ठंडा हो गया है, केरला से ऊटी काफी ठंडा है। मतलब जैसे आप तमिलनाडु में एंटर करते हैं तो ठंडी बहुत बढ़ जाती है, केरला थोड़ा ये है, मतलब नॉर्मल वेदर रहता है, लेकिन तमिलनाडु बहुत ही ठंडी है यहाँ पर। अब हम होटल पहुंच गए हैं, यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है और होटल भी काफ़ी साफ सुथरी और अच्छी है। होटल स्काईलाइन इसका नाम है। अगर आप ऊटी आते हैं तो बहुत ही बजट में आपको यहाँ पे रूम मिल जाएंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट लेके नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे घर की तरफ निकल जाएंगे।
अब जो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और रास्ते में हम कुछ पॉइंट देखते हुए जाएंगे। रास्ते में कई पॉइंट आपको देखने मिलेंगे, केरला के रास्ते में ही पड़ते हैं। यहाँ रास्ते में भी आपको कई पॉइंट देखने मिलेंगे। ये डैम है, डैम के आगे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे रिवर है और बहुत खूबसूरत सा रिवर है ये, लेकिन यहाँ पे हम नहीं जा रहे क्योंकि पहले हम यहाँ पे घूम चुके, काफ़ी चलना पड़ता है और हमें घर भी जाना है और अभी हम वहाँ पे नहीं जा रहे, आगे बोटिंग के लिए जाना है। यहाँ से 5 या 10 मिनट के ड्राइव पे ही आपको एक बोटिंग वाला पॉइंट मिलता है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ से भी। आपको लेके चलती हूँ मैं और आप देखिए वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ऊटी में तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम पहुँच गए हैं बोटिंग वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड बोटिंग और पैंडल बोटिंग दोनों होती है। ये प्राइस यहाँ पे दिया गया है, आपको ये प्राइस जो पे करना है ये पूरी बोट का करना है। प्राइस थोड़ा हाई लगेगा, लेकिन अगर आप कपल है या आप छोटी सी फैमिली के साथ आए हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। ये पूरी बोट का प्राइस है, मतलब आप 8 जन बैठ सकते हैं एक बोट पे और ये पूरा मतलब 1000 रुपीज जो है वो 8 जन का होता है। यहाँ पे आप स्पीड बोट की भी मजे ले सकते हैं। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत क्राउड है यहाँ पर, अभी थोड़ी सी गर्दी बढ़ गई है और अभी पब्लिक आ रही है क्योंकि हम बहुत जल्दी मॉर्निंग में आ गए थे और आप थोड़ा थोड़ा आफ्टरनून में आते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन धूप का वक्त होता है इसलिए हम सुबह मॉर्निंग में ही आ गए थे। यहाँ से सामने का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। मेरे कैमरे में शायद ही ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेरा फ़ोन का कैमरा है, अगर आप सामने से देखते हो तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बोटिंग करने के बाद आप ब्रेकफास्ट या चाय कॉफ़ी भी ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ही सारे इंतज़ाम है, लेकिन मैंने इसका वीडियो नहीं निकाला क्योंकि मैं थोड़ा सा चाय कॉफ़ी में बिजी हो गई थी, वेरी सॉरी, लेकिन यहाँ पे चाय कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद हम घर की तरफ निकल गए। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि ऊटी जाने के लिए हमने रेंटेड कार बुक की है, इसे बुक करना बहुत ही आसान है, बस गूगल ऐप पे आपको जाना है और इसे बुक करना है। इस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बहुत रिजनेबल प्राइस में है, आपको पिक एंड ड्रॉप का भी सर्विस मिल जाएगा और आपके जो भी टाइम के सहूलत के हिसाब से आप उसे बुक कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। ये जगह इतनी पिक्चर परफेक्ट है कि यहाँ पे हम थोड़ा रुक गए और थोड़ी सी फोटो और वीडियोस लेने के बाद में हम आगे निकल पड़े। अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम था तो हमने सोचा कि रास्ते में तमिलनाडु में ही एक ऐसी जगह है जिसका नाम मधुमलाई है, जहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल रास्ते में देखने मिलेंगे। मधुमलाई या बदलीपुर के रास्ते में अगर सुबह के वक्त या शाम के टाइम पे आप निकलते हैं तो आपको रास्ते में ही जानवर दिखाई देंगे और अभी मधुमलाई पहुंचने तक के हमें ज़रूर शाम होंगी और इंशाल्लाह रास्ते में ही हमें कई जानवर देखने मिलेंगे। आई होप कि रास्ते में कई एनिमल्स देखने मिले, बच्चों को भी एनिमल्स देखना बहुत पसंद है, वो एक्साइटमेंट में है। ये जो रास्ता जा रहा है ये मधुमलाई की तरफ है और इतना खूबसूरत रास्ता है, हर जगह पे फॉरेस्ट है और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आपको रास्ते में देखने मिलेगा। और मैंने सुना है कि यहाँ पे टाइगर भी नज़र आते हैं और टाइगर रास्ता क्रॉस करते हुए जाते हैं, देखते हैं कि टाइगर नज़र आता है या नहीं। ये जो रास्ता है ये बंदीपुर की तरफ भी जाता है और वहाँ से वो मैसूर की तरफ होते हुए जाता है, तो बंदीपुर यहाँ से बहुत ही दूर है लेकिन मधुमलाई आपको करीब ही पड़ेगा। मधुमलाई में आपको सफारी राइड्स भी मिलेगी लेकिन उसका वक्त कुछ अलग है, हम नहीं जा पाए उस वक्त पे, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और टाइम निकल चुका था सफारी राइड्स का। काफ़ी दूर तक चले आने के बाद में हमें कुछ हिरन दिखाई दिए, यहाँ पे 12 सिंगा भी है और मोर भी है, बहुत खूबसूरत जानवर यहाँ पे रास्ते में हमें मिले। सबकी फ़ोटोज़ मैं निकाल नहीं पाई या वीडियो नहीं निकाल पाई, वेरी सॉरी, क्योंकि मैं सिर्फ इंजॉय करना चाहती थी और थोड़ी थोड़ी से जो क्लिक किए वो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर किए हैं।
वहाँ पे थोड़ा घूमने के बाद में हमें शेर तो नज़र नहीं आया, लेकिन हम वहाँ से निकल गए और अब घर पहुँचने का वक्त हो गया है। घर पे हम शाम में ही पहुँच गए थे और घर पे पहुँचने के बाद भी थोड़ी सी ऊटी वाली फीलिंग आ रही थी। आप देख सकते हैं मेरे घर के सामने से कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।